नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक। आज हम नई दिल्ली में शास्त्री भवन के इलाके पे हैं, जहां पे छात्रों ने अपना कॉल दिया था मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को ख़त्म किए जाने के खिलाफ में। छात्र तमाम जगहों से, चाहे वो JNU हो, जामिया हो, DU हो, वहाँ से जब यहाँ पे पहुँचे तो दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन छात्रों को गिरफ्तार किया। हालांकि छात्रों का आरोप ये है, और हमने भी देखा कि छात्रों को जो है घसीटते हुए जो है अभी संसद मार्ग थाने की ओर ले जाया जा रहा है। अपने बचाव में जो केंद्रीय मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि इस फेलोशिप को ख़त्म करने के पीछे की वजह यही है कि ये स्कीम बाकी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके साथ ओवरलैप करती है। ये शर्मानी चाहिए, इस सरकार को शर्मानी चाहिए कि ये छात्र हैं, गुंडे नहीं हैं, ये सड़कों पे अपने अधिकार के लिए उतरे हैं। ये सड़कों पे उतरे हैं कि हायर एजुकेशन में जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है उसको रोका जाए। ये सड़कों पे इसलिए उतरे हैं कि जिस तरीके से रिसर्च करने से छात्रों को रोका जा रहा है, ये गलत है। ये सड़कों पे इसलिए उतरे हैं कि देश के एजुकेशन व्यवस्था को बर्बाद किया जा रहा है। ये सड़कों पे इसलिए उतरे हैं कि रिसर्च का जो सिस्टम उसको बर्बाद किया जा रहा है। माइनॉरिटी फेलोशिप जो मानव है उसको तबाह करके ये सरकार क्या संदेश देना चाहती है, किस तरीके का पैगाम देना चाहती है? यही ना कि गरीब तबके से आने वाले, मार्जिनलाइज तबके से आने वाले छात्रों को हमारे एजुकेशन में जगह नहीं देंगे, यही इनका मकसद है, यही इनका मंशा है। और इससे पहले भी मैडम स्मृति ईरानी जब उनके हाथों में एचआरडी मिनिस्ट्री थी तो उन्होंने नॉन नेट फेलोशिप करके फेलोशिप खत्म करके ये साबित किया था कि हम शिक्षा विरोधी हैं। इनकी शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ हम कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। ये एक सरकार की बेशर्मी है कि स्टूडेंट जो इस देश का फ्यूचर है, जो इस देश का भविष्य है, उसको लेके जेल में डाले जा रहे हैं। यहाँ पे पढ़ाई के लिए पैसा नहीं होता। इस दिल्ली जैसे शहर में बच्चा कैसे रहेगा बिना इन फेलोशिप के लिए? यहाँ NEP के नाम पे फीस बढ़ाई जा रही है कॉलेजेस की, और यहाँ फेलोशिप भी साथ ही साथ खत्म की जा रही है। तो इस सरकार का जो नेक्सस है कॉर्पोरेट और कम्युनलिज्म का, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई चलती रहेगी। The thing is that there are several schemes in India which overlaps with other. That doesn't mean that you can cut the entire scheme altogether. So particularly if I'm going for a research, I'll also be eligible for Maulana Azad National Fellowship. So they are asking me that you don't go for research because you are not eligible for doing research. With the social backwardness, with the existing social conditions and the prejudice that the country have with minorities, you are asking, okay, go and compete with others. This is the same logic that they have, the myth of meritocracy as they call it, the same logic that they have against reservation, that you start with them, because the race is not starting from a single point, it starts from a different point. The minorities of this country, the Dalits of this country are they are starting the race way behind the upper class, elite, privileged people of this country. So we need to consider this is about equity, equitable distribution of public resources with every single civilian or citizens of this country. मुझे तो ये ज़्यादा वाजिब, मतलब एज अ स्टूडेंट मुझे बिल्कुल भी वाजिब नहीं लग रहा, क्योंकि अगर कोई दिक्कत है ओवरलैपिंग की सिर्फ लड़कियों को लेकर तो उसकी उसका समाधान ढूंढा जा सकता है, लेकिन माइनॉरिटी में खाली एक तबका नहीं आता है, बहुत मतलब सिख आते हैं और भी बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, बहुत सारे तबके के लोग आ रहे हैं, तो एकदम से उन सब के लिए स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू कर देना तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। मतलब और क्योंकि इसमें अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, तो उसके समाधान ढूंढना चाहिए, ना कि पूरी स्कॉलरशिप को हटा देना। मतलब मेरे हिसाब से तो एज अ स्टूडेंट वो चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। स्मृति ईरानी साहिबा ने कहा कि जो ये स्कीम है वो बाकी स्कीमों के साथ ओवरलैप कर रही है। मान लीजिए जो मुस्लिम हैं वो जो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं वो OBC की भी नेशनल स्कॉलरशिप जो OBC के लिए मिलता है वो भी ले पाते हैं, और जो MNF है वो भी ले पाते हैं। तो मेरे मानने में ये लॉजिक कुछ ज़्यादा खरा उतरता नहीं है, क्योंकि मान लीजिए ये जो स्कीम है सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं है, बाकी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस और बाकी जैन कम्युनिटी से आते हैं उनके लिए भी हैं। तो जो बच्चा इन कम्युनिटी से है और कई स्टेटों में OBC स्टेटस नहीं है उनके पास, तो वो उनके लिए भी ये स्कीम अब नहीं रहेगी। और अगर इस तरीके की कोई दिक्कत आ रही है कि स्कीम ओवरलैप कर रही है तो आप उस दिक्कत को ठीक करिए। मान लीजिए आधार कार्ड का चेक करके लोगों को स्कीम दीजिए, पर इस स्कीम को ही रद्द कर देना किसी तरीके से सही नहीं है, और ये साफ तौर पे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी शिक्षा पे और उन पर हमला है।
बहुत सारे माँ बाप के लिए इतनी एजुकेशन हाई मतलब इतनी एक्सपेंसिव एजुकेशन अफोर्ड करना ही बहुत मुश्किल होता है। तो ये स्कॉलरशिप एक बहुत बड़ा जरिया थी उन बच्चों के लिए, उन माँ बाप के लिए अपने बच्चों को भेजना और उन बच्चों के लिए आगे रिसर्च तक की और मतलब पोस्ट ग्रेजुएट हर तरीके की एजुकेशन को हासिल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार डर भी रही है कि क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे अगर आगे आ रहे हैं तो बहुत सारे अलग मूवमेंट जैसे कि CANRC हो गया, आपका किसान आंदोलन हो गया, यहाँ पे वो मूवमेंट पूरे एक तरीके से लीड ही पढ़े लिखे तबके ने किया है जो कि माइनॉरिटी में भी है और जो कि शायद उतने जो गरीब भी हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं डर तो रही है, तो इस वजह से स्कॉलरशिप अगर डिसकंटिन्यू होती है तो मतलब एक तरीके से बहुत बड़ा हमला है एक तबके के ऊपर जिनके बच्चे शायद उतनी एक्सपेंसिव एजुकेशन नहीं ले सकते। आई वुड लाइक टू आस्क स्मृति ईरानी, वुड शी लाइक टू गिव अप हर पेंशन एंड हर डेली अलाउंस बिकॉज दे आर गेटिंग सो मेनी अदर बेनिफिट्स इन पार्लियामेंट, दे कैन ईट एट you know what rates and they are getting free transport and they are getting free travel and they are getting people in their homes to help them with their work. Is she willing to give up all these things because she's getting these other things? So let us not confuse the issue, and they hope to use the anti-Muslim feeling they have created. And of course let me tell you that this minority fellowship is for all minorities, just as the pre-matric scholarship is for all minorities as well as SC, ST, OBC. So they are actually taking the most discriminated against, the most disadvantaged section of our population and using these scholarships to ensure that they do not ever get education.